सिर्फ अंडा ही चाहिए, सिर्फ अंडा ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप लोगों का फेवरेट छोटा सा शहजादा मोहम्मद ईसा भी बिल्कुल ठीक है, खुशबाश है। ईसा को नई चीज़ मिल गई है, ईसा बिल्कुल मसरूफ़ है और मामा को फुल टाइम इग्नोर कर रहा है। और माशाल्लाह से हमारे 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। लास्ट ब्लॉग पर बहुत सारे मज़े के कॉमेंट्स थे, तो कोशिश करूँगी कि मैं उनका भी साथ साथ रिप्लाई करूँ। बाकी थैंक यू सो मच जितने लोग देखते हैं, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये व्लॉग खैर से 3 दिन चलेगा, बिकॉज़ 3 दिन बाद है इफ्तारी बहुत सारे लोगों की, कोई 30 to 40। तो हमने आउटडोर अरेंज करने का डिसाइड किया, तो मैंने सोचा मैं एक प्यारा सा सेटअप करूँगी, तो उसके लिए 3-4 दिन तो लगेंगे ही। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं खुद डेकोर करूंगी। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी इफ्तारी की, उनसे इंस्पायर होके सोचा कि इसको डेकोर करते हैं। मैं इस टाइम आ गई हूँ छत पर, मौसम बहुत अच्छा है, आई थिंक बारिश होने वाली है, बादल आए हुए हैं। अच्छा यार बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, रोज़े अच्छे ठंडे गुजर जाएंगे जी। तो बाहर से हमारे घर का व्यू देख लें, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, आई जस्ट लव ग्रीनरी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी छत पे क्या क्या लगा हुआ है। इधर टमाटर लगे हुए थे जो कि हमने तोड़ लिए हैं, पापा ने कल रात को तोड़ लिए थे, बहुत सारे लगे हुए थे। और जी ये बारबेक्यू के लिए बनवाई थी, लेकिन इसमें पौधे लगे हुए हैं। और एक ये है पौधा, ये पता नहीं क्या है, इसका भी पता नहीं क्या है। मेरी फेवरेट चीज़ तो ये रही, फूल। और रेड भी लगे हुए थे, रेड वाले तो पापा ने तोड़ लिए थे, बिकॉज़ कीड़े खा जाते हैं, तो फिर हमने तोड़ के रख लिए थे। और ये लीमू लगे हुए हैं, अभी तो नहीं है, वो सीजन पे होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं कि हमें बांटने पड़ते हैं। एलोवेरा लगा हुआ, किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं TCS करवा दूँगी। और सबसे प्यारा कलर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तड़ा येलो। मुझे लगता है कि पिंक से ज़्यादा ना येलो प्यारा लग रहा। अल्लाह, ये भी लीमू का ही पौधा है, लीमू भी चाहिए तो बता दीजिएगा, एलोवेरा भी बता दीजिएगा, और टमाटर भी, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। वो हमारे रिच नेबर्स ने 2 दिन पहले सोलर पैनल लगवाए। चलें अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं वो काम कर लेती हूँ पहले जी। तो बाबा को कोई चीज़ बोलो और बाबा ढूंढ के ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये स्टिक्स बाबा ने मुझे स्टोर रूम से निकाल के दी हैं, ये सारी हम यूज़ करेंगे और बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। बस एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे बाज़ार से लानी पड़ेगी, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास हैं। और ये जो गमले आप लोग देख रहे हैं, पेंट नहीं हुआ। मामा ने बोला है कि जब तक ये पेंट नहीं होगा कोई इफ्तारी नहीं होगी, तो कल इंशाल्लाह पेंटर आएगा, हम इनको पेंट कराएंगे, फिर हम परसों इफ्तारी करेंगे। बड़ों का तो चलें समझ में आता है कि इफ्तारी के बाद नींद आ जाती है, बड़ी मज़े की नींद आती है। इस शहज़ादे को भी इफ्तारी के बाद नींद आ जाती है, जिस वजह से सारा दिन बहुत रोज़ा लग रहा था। तो खैर मैं तो जा रही हूँ। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं लिबर्टी। मामा को बोला कि फूफो की तरफ ही आ जाइएगा, बिकॉज़ हम वहाँ से सीधा फूफो की तरफ जाएंगे, वहाँ सब कज़न्स वगैरह ये वो सब इकट्ठे होंगे, बिकॉज़ हम लोगों ने सैरी बाहर करनी है। होप सो ईसा हमारे साथ जाए, अगर दादू ने इजाज़त दे दी तो। बाकी खैर चलें चलते हैं। ये दोनों इतनी चुगलियाँ करेंगे, इतनी चुगलियाँ करेंगे। मैं भाई फूफी जी को प्लेन शर्ट चाहिए, शॉकिंग पिंक कलर की, हमें शर्ट नहीं मिल रही, शर्ट ढूंढ रहे हैं। गर्मी ऊपर से डबल इनर साल पहनना पड़ेगा मुझे। ये कौन पहन मेकअप चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और झूल भी है,
मेरा बाहर आने का असल मकसद पूरा हुआ जाता है डोमिनोज के विंग्स और डोमिनोज का पेरी पेरी डबल मेंट, वन ऑफ माय फेवरेट। सॉस किधर है जी? तो ये रहा पेरी पेरी डबल मेल्ट, बहुत मज़े का, बहुत यम्मी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, मैं बिजी हूँ, बाय। फाइनली वी आर बैक। आज अलीशा को छितर पड़ेंगे क्योंकि इस लड़की ने एक चीज़ नहीं ली, इसको कुछ पसंद नहीं आया जी। सैरी घर जाओ, रोड निकाल के रखो। अस्सलामुअलैकुम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पुपो पुटा पड़ती है, पुपो छितर लेके आ रही हूँ मैं दिशा को मारना। इग्नोर करो, मम्मा को खाते पीते शॉपिंग करते बिल्कुल भी होश नहीं थी, है ना? जब भी कोई मेरी माँ के बारे में ऐसी वैसी बात करता है तो मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ। सही कह रही हूँ मैं। तेरी मम्मा किधर है अलीशा? पुपो डंडा लेके आना मेरा। कुछ भी नहीं मम्मा, पसंद ही नहीं आया। मेरे बेटे ने जाना नाश्ता करने, सैरी करने। तो बड़े डिस्को वाइफ बनाई है मदीन ने। भाई भाभी आ गई, कहती है भाई को क्या करो, कंगा कर लिया। सही बात है, टिंड भगा लो, टिंड भगा लो। सो फाइनली हम आए कैफे फोड़ा एक्सपोर्ट सहरी। वैसे अभी सहरी का टाइम नहीं हुआ। क्या किचन में सफाई कर रहे थे? सो फाइनली हमारी सहरी आ चुकी है। ये इतना ज़्यादा खाएगा कौन? आदिल टेस्ट कैसा था सच बता? फाइनली सहरी हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। 1 hour later. ये क्या है इतने नंगे पुंगे हैं? वो गर्मी लग रही थी। अच्छा मुझे बताओ, मम्मा को मिशी मिशी किया था? हाय वे छत के जो माशाल्लाह, कितना मिश किया था अभी मम्मा? वो छाड़ा किया था मम्मा? छत के जाए मेरा थुक्का वाला काका, मम्मा छत के जाए मेरा बेटा। तो मम्मा नमाज पढ़ ले जल्दी से, आप खेलियाँ खेलियाँ करो, बस 5 मिनट। ओके बस 5 मिनट। गुड मॉर्निंग। मैं ज़्यादा उठ गया था, मैं छत के जाऊँ अंदर आया मुझे। अच्छा ये कौन है? ये कौन आ गया है? ऐसा ये हमारे कमरे में कौन आ गया? कहाँ आए हो, छत पे आए हो? आंखें भी नहीं खोल रही जी। पेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ये गमलों को पेंट करवाने के चक्कर में हमारा पूरा घर पेंट हुआ। इस सब दादों के पास छोड़ के मैं गई थी इस लकड़ियों वाली मार्केट में। यहाँ पर लकड़ियों की सीढ़ियाँ, पता नहीं क्या 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 कुछ बन रहा था, लेकिन मुझे मेरे मतलब की चीज़ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सो फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे कुछ बोर्ड्स नज़र आए, लेकिन ये मर्ज करके एक पूरा टेबल बनता था। तो फाइनली ढूंढ ढूंढ के हमें एक टेबल नज़र आया फॉर फ्लोर सिटिंग, तो हमने डिसाइड किया कि ये दो बोर्ड्स इनफ रहेंगे। अच्छा फिर मुझे बताओ इफ्तारी पे किस किस को बुलाएं? कि और किसको? हुसनैन चाचू को नहीं बुलाना ना? नहीं
ठीक है, स्नैन चाचू कैंसिल, आतिफ चाचू कैंसिल, पतीन को बुला लेंगे क्योंकि तेरा कजन है छोटा। ठीक है, फैसल चाचू, फैसल चाचू चलो बुला लेंगे। अच्छा चल, नहीं बुलाते बिलाल चाचू को, वो कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बैठे बैठे जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। ईसा जल्दी से सो गया, ईसा ने सोचा इससे पहले मेरे से घर वाले कोई काम कराएं तो बेहतर है, मैं सो जाता हूँ। तो चलें अब हम देखते हैं क्या काम हो चुका है, क्या करने वाला है। स्टोर रूम से मुझे शीशा मिला था बॉर्डरलेस कपड़े लेस, तो मैंने सोचा इसको रिक्रिएट करते हैं, मैं इसको अच्छे से रिक्रिएट करूँगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। नहीं एक ही पड़ा होगा, घर में सफाइयाँ हो रही हैं और सकीना मैडम सी आई डी इंजॉय कर रही हैं, सकीना को दुनिया से कोई गर्ज नहीं है। मुझे समझ ना रही, एक्टिंग कर रही है क्यों, आगे नहीं ना रही। चल छोड़ा छोड़ा मेरा बेटा छोड़ा, नहीं नहीं आ रही थी, मम्मी चटके मामा चटके जाए, छोड़ो गुड नाइट गुड मॉर्निंग, चल छोड़ा गुड नाइट गुड नाइट। समोसों का और रोल का मटेरियल रेडी है और ये ठोंगे को मार रहा बीच में। One hour later. जी तो रोल और समोसे रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको फ्रीज कर देंगे और सफाइयाँ सफाइयाँ सब हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट तमाम काम डन है। ये जो मेरा मासूम बेटा इतना पुरसकून लेटा हुआ है, ये भी बेड से गिरा है, मैं किचन में गई हूँ और जितनी देर में मैं रैप गरम कर रही थी, धड़म आवाज़ रोने की आवाज़ें, मैं चॉकलेट दे के चुप कराया बेटे को, सॉरी आई एम सॉरी, मम्मा अंदर नहीं छोड़ के जाएगी, आई एम सॉरी, आई लव यू, मैं छत के मेरा बेटा जोर से तो नहीं लगी मेरे बेटे को, हैं जोर से तो नहीं लगी, दादाबू को अभी तक पता नहीं चला, अब दादाबू व्लॉग देखेंगे तो दादाबू को पता चलेगा कि ईसा क्यों रो रहा था, दादाबू कह रहे थे ईसा को नींद आई हुई इसलिए रो रहा है, उनको पता ही नहीं है ईसा बेड से गिरा है ना बेटा। One hour later. मर्ज कर दो यार, ये कितना गुस्सा करोगे, आई एम सॉरी छोड़ी यार सॉरी, जा सुदास में बेटा अच्छा नहीं लगता, कितनी धूप है, आगे पीछे मौसम अच्छा होता है धूप निकली हुई। जी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10, अब मैं सेटअप बनाना स्टार्ट करूँगी। पापा दी ग्रेट कसम, पापा की हेल्प के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी और मुझे लगता है कि हमें इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू कर देना चाहिए, एक बहुत अच्छी टीम है। जो ग्रीन गदियाँ देख रहे हैं ना, ये मैं ड्राइंग रूम से उठा के लाई हूँ, मामा कह रही थी अल्लाह का वास्ता ये ना रखी ख़राब हो जाएंगी, दे देंगी भी नहीं, फिलहाल तो ठीक होती है ना। जी तो सेटअप रेडी है, फेरी लाइट्स, अंधेरा होगा तो ऑन करूँगी, अभी ऑन करने का फ़ायदा कोई नहीं है,
बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब मैं किचन में जा कर देखती हूँ क्या हो रहा है। ईसा को मैं करूँगी रेडी, खुद भी रेडी होंगी बाकी। ओहो अभी मैंने बर्तन सेट करने हैं, आई फॉरगेट। पहले मैं बर्तन सेट करूँगी, बाकी सारे काम बाद में। बर्तन मैंने सेट कर दिए हैं, मैं इस टाइम बहुत 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 थकी हुई हूँ। सोच रही थी मिरर सेल्फी ले लेते हैं। अच्छी आ रही है, उठ गया मेरा बेटा, ठीक हो? सब में दर्द तो नहीं हो रही? ठीक हो? जी तो ईसा के शावर का टाइम हुआ जाता है। ये रहा ईसा का बाथरूम। ईसा के नखरे भाई, हमें तो तौलिया मिलता था। बड़ा बाथरूम पहना हुआ, बड़े रिच बने हुए हो। नंगू गंजू हो गया। अच्छा मुझे बताओ फिर कौन से कपड़े पहने? वाइट ये वाला पहन ले, दिस वन। हाँ जे इचो तैयार हो? मजीवा माशाल्लाह। क्या तो फेस पे क्या हो, फेस पे क्या हो? भूया नहीं खाता, मच्छर नहीं खाता? ऐसी की तैसी, बड़े प्यारे लग रहे हो। हमारी रिच बाजी फ्रूट चाट बना रही हैं। कौन है? ओ दे आके से मिल। इचो इचो हेल्प करो। चल जिन्हें आते होंगे चाट चाहिए बाजी। चल मेरा बेटा इनकी हेल्प करो। बस आधा घंटा रह गया। बस हो जाएंगे रेडी। मुझे इतनी भूख लगी हुई है। ये कलर ठीक है? बहुत अच्छा, मेरे जैसा। ये लास्ट मोमेंट पे आके शो करा रहे कि हमने बहुत काम किया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। किसी ने कुछ कोई है लड़का जो टिकटॉक बनाता है, बर्तन धोते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वही से तैयारियां भी देती है ना, ऑनलाइन बुकिंग के लिए कांटेक्ट करें। हाँ ये मतीन को रिहर्सल करा रहे हैं कि तुमने लड़की को प्रपोज कैसे करना है, फिर फोटोशूट कैसे करना है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा था उन्हें पता होगा कि ईसा की फूफो की ईदी हम लोगों ने TCS करवाई थी, तो फूफो को ईदी पहुंच चुकी है। लास्ट पर हम लोग आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। फूफो ने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। चले गए चारे। ओहो तो नंगा चले गए। सो हाउज़ योर डे, मज़ा आया मेरे बेटे को? ओहो अच्छा, फिर कौन प्यारा लग रहा था आज सबसे ज़्यादा? मम्मा अच्छी लग रही थी, छिटके जाऊँ मैं? चलो ठीक है, अब मम्मा थक गई है, ठीक है मम्मा ने ब्लॉग एडिट भी करना है। इन सबको बोलो मैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं सोच रही थी ईसा मेरा बेटा कब बड़ा होगा, कब खुद बोला करेगा लाइक करें सब्सक्राइब करें। अच्छा इंशाल्लाह जल्दी बोलेगा इंशाल्लाह।
बोले मम्मा बाय। One jetting finished. One more to go.